हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं जिसमें हम ओम के महान सूत्र की खोज करेंगे। ये सूत्र है जिसे आधुनिक विज्ञान में H2O के समान माना जा सकता है, पूर्ण सत्य और वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है। इस अनूठे प्रतीक को समझने से पहले आवश्यक है कि हम कुछ मूलभूत बातों को जानें। सबसे पहले समझना चाहिए कि ओम को सामान्य संस्कृत वर्णमाला में नहीं लिखा जाता, इसके लिए एक विशेष प्रतीक है। ये एक कोड शब्द है जो अनुवाद के परे है। ओम चार चीजों से मिलकर बना है, तीन ध्वनियां और चौथी ध्वनिहीन ध्वनि। तीन ध्वनियां आ उ मा, ये तीन बुनियादी ध्वनियां हैं और सभी अन्य ध्वनियां इन्हीं से निकलती हैं। यही सच्ची त्रिवेणी संगम है, ध्वनियों का त्रिवेणी। जब आप एक सुनसान मंदिर, मस्जिद, चर्च या किसी एक नए घर में ओम का जाप करते हैं तो जाप रुकने के बाद भी ये गूंज सुनाई देती है। ये म की अंतिम ध्वनि है जिसे अनुस्वार कहते हैं। इस एक बिंदु से तीनों ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। ओम का प्रत्येक ध्वनि हमारे अस्तित्व की तीन अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है और चौथा हमारे स्वभाव को दर्शाता है। यदि हम मानव को समझ पाए तो पूरे अस्तित्व को समझ सकेंगे। एक बूंद में समुद्र का सारा रहस्य छुपा है। पहली ध्वनि आ हमारी जागृत अवस्था को दर्शाती है, जिसे हम अक्सर सचेत नहीं समझते। हमारी दैनिक कार्य एक यांत्रिक प्रक्रिया की तरह होते हैं जिसमें हमारी सच्ची सजगता शामिल नहीं होती। ऊ हमारे सपनों की दुनिया को दर्शाती है, जहाँ कला और सृजनात्मकता का जन्म होता है। ये हमारी आंतरिक यात्रा का प्रतीक है। तीसरी ध्वनि म गहन निद्रा और समाधि की अवस्था को दर्शाती है, जहाँ चेतना का कोई विभाजन नहीं होता, परंतु ये अवस्था सच्ची समाधि नहीं है। यहाँ तक कि सपने भी विलीन हो जाते हैं। और अंत में चौथा अव्यक्त स्वर, जो आध्यात्मिक जागृति और पूर्ण समाधि की अवस्था है, जहाँ व्यक्ति ब्रह्मांड के साथ एकमात्र का अनुभव करता है, जिसको हम तुरिया भी बोलते हैं, जो शब्दातीत है, जिसको हम कहें अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ, आई एम दैट। ओम के माध्यम से हम स्वयं को संपूर्ण सृष्टि को समझने की यात्रा पर निकल सकते हैं। ये ऐसी ध्वनि है जिसमें तुमने एक बार डुबकी मार ली तो तुम फिर वही नहीं रह जाओगे जो पहले थे। एक बहुत गहरा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस तुम्हारे साथ घट जाएगा। जीवन की गहराई में उतरो, ओम को जीना शुरू करो। प्रणाम।